नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धनधारी गांव में बीती रात खर्ची और प्रॉपर्टी के विवाद में पुत्र ने अपने पिता व भाई को गोली मारकर हत्या कर दिया। वहीं अपनी चाची को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल महिला को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। देर रात पुलिस आरोपी पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धनधारी गांव निवासी मनोज सिंह का मंगलवार की रात अपने पिता श्री नारायण सिंह से प्रॉपर्टी व खर्चे को लेकर विवाद हो गया। विवाद के समय उसका छोटा भाई मनीष सिंह भी मौके पर पहुंचा। इसी दौरान मनोज सिंह आक्रोशित हो गया और उसने घर पर रखी अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपने पिता श्री नारायण सिंह और भाई मनीष को गोली मार दिया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। वहीं बीच बचा को आई चाची को लाठियों से बुरी तरह पीटा, जिससे वो लहूलुहान हो गई। स्थानीय की सूचना पर देर रात मौके पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भारी पुलिस बल गांव में पहुंचा और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक अनुरागार ने बताया कि मनोज सिंह एक वर्ष पूर्व फौज से सेवानिवृत्त हुआ है। इसके पिता श्री नारायण सिंह भी फौज में थे। प्राथमिक जांच से यह पता चला कि मनोज सिंह के भाई मनीष सिंह और उसकी चाची में करीब 6 वर्ष पर उसे गोद लिया था। मनोज सिंह प्रॉपर्टी व खर्चे को लेकर पिता से कहा सुनी के बाद लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर पिता और भाई की हत्या कर दिया और चाची को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी मनोज सिंह को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है व मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आज देर शाम थाना कप्तानगंज अंतर्गत धंधारी गांव में मनोज सिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री नारायण सिंह ने आपस में कहासुनी के दौरान अपने पिता श्री नारायण सिंह व सगे भाई मनीष सिंह को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। अभियुक्त के द्वारा अपने बड़े पिता की पत्नी को भी लाठी डंडे से पीटा गया है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटनास्थल निरीक्षण मेरे द्वारा फील्ड यूनिट के साथ किया गया है। अभियुक्त मनोज सिंह पुलिस हिरासत में है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। FIR पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त रिटायर्ड सैनिक है। इसके पिताजी भी सेना से रिटायर्ड थे। एक साल पहले लगभग ये रिटायरमेंट पर आया था। इसके सगे भाई मनीष सिंह जो मृतक हैं, इनको इसके बड़े पिता स्वर्गीय रामनारायण सिंह की पत्नी ने 6 वर्ष की आयु में गोद ले लिया था। आज शाम 7 बजे मनोज सिंह व इसके पिता श्री नारायण सिंह में प्रॉपर्टी व खर्चे को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बीच मनीष सिंह भी वहाँ आ गए। इस दौरान अभियुक्त ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पहले अपने पिता और फिर अपने भाई पर गोली चला दी, जिस वजह से ये घटना घटित हुई है। FIR पंजीकृत करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई थाना कप्तानगंज के माध्यम से की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।